Hello, my dear students. Today we are starting biology. Biology क्या है? Bio means the living beings. And logos means the science. The science of living beings is known as biology. And the living beings, it includes all the animals, the plants, fungi, bacteria, they are the living beings. Sir, kya virus living being nahi hai? वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है. व्हेन द वायरस इज आउट ऑफ आवर सेल्स, हमारे सेल्स के बाहर, वायरस नॉन लिविंग है. एंड व्हेन द वायरस एंटर्स इन आवर सेल्स, इट स्टार्ट यूजिंग द मशीनरी ऑफ आवर सेल्स एंड इट बिकम लिविंग. तो कोरोना वायरस का अटैक वर्ल्ड पे चल रहा है. ये वायरस है ओरिजिनेट हुआ चाइना के वेट मार्केट से. यू नो द वेट मार्केट्स दैट वी आर डिस्कस इन द फिजिक्स, जहां पर गीला मीट मिलता है. चीन के अंदर जो मीट के मार्केट्स है, वहां पर बकरे का, भेड़ का, कुत्ते का, बिल्ली का, चमगादड़ का, मगरमच्छ का, अजगर का, सांप का, भालू का, सबका मीट मिलता है. अरे भाई, नेचर ने आप इंसानों को इतना हक दे दिया है क्या कि आप इस नेचर के सारे स्पीसीज को काट कर मार कर खा जाएंगे? नो. नेचर सबको मैनेज करती है. नेचर सबको जीने का हक देती है और इसी कारण नेचर का यह ब्रह्मास्त्र है कोरोना वायरस, जो उन वेट मार्केट से शुरू हुआ है और आज इस कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड के अंदर दुनिया को घुटनों के बल पे ला दिया है. When this virus is out of our cells, हमारे जब सेल्स के बाहर है, ये नॉन लिविंग है. When it enters in our cells, it start using the machinery of our cells and it become living. मतलब वायरस कितना इंटेलिजेंट है. जब हमारे सेल्स के बाहर है वो नॉन लिविंग है, और हमारे सेल्स के अंदर जब एंटर होता है, हमारे सेल्स की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देता है एंड इट बिकम लिविंग, और हमारी बॉडी को उसके हिसाब से कंट्रोल कर लेता है. कोरोना वायरस इज मोर इंटेलिजेंट. ये जब हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, हमारे सेल्स के अंदर एंटर करता है, हमारी सेल्स का जो मूवमेंट है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेता है. तो ज्यादा हम कोरोना वायरस पर ना डिस्कस करके हमारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि लॉकडाउन के कारण सब पेरेंट्स घर पे हैं. न्यूज़पेपर्स के अंदर 90% जो न्यूज है वो कोरोना की है. न्यूज चैनल शुरू करो तो सारी की सारी जो न्यूज है वो कोरोना की है. अगर दिन भर अगर हम कोरोना से रिलेटेड अगर न्यूज सुनते रहेंगे,
ये हम लोगों पे एक बहुत बड़ा माइंड पर इफेक्ट डाल सकता है और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। आप सब पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मैं मैसेज देना चाहूंगा इस क्लास के जरिए कि अपडेट्स देखें इधर थ्रू द न्यूज़पेपर और थ्रू द टीवी, दिन के अंदर एक बार और दो बार, उससे ज्यादा आप खबरें ना सुने, ये आपके माइंड पे बुरा इफेक्ट डाल सकती है। ओके, कम टू द टॉपिक नाउ कि हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द लिविंग बींग्स आर नोन एज ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट भी है और एनिमल भी है। ऐसा क्यों है, वी डिस्कस लेटर। हाँ, बट वायरस है वो नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। व्हेन द वायरस इज आउटसाइड आवर सेल्स इट इज नॉन लिविंग, व्हेन इट एंटर्स इन आवर सेल्स इट बिकम लिविंग। तो हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स द लिविंग बींग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स दे आर इनऑर्गेनिक। हम बायो का 9th क्लास का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट सेल। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। वी आर हैविंग लाइफ, वी आर द लिविंग बींग्स, द प्लांट्स and we the human beings, we are the life, we are the living beings, we are the organisms. हमारी बॉडी है इन सेल्स की बनी हुई है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये ईंटों की बनी हुई है, एक एक ईंट को जोड़ के ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो इस बिल्डिंग का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, वो ब्रिक है, ईंट है। और ये जो टीचर आपके सामने खड़ा है, सांखला खड़ा है, ये भी एक बिल्डिंग है। सेल सेल्स को जोड़कर आपके सामने ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, लिविंग है आपको पढ़ाने के लिए। So it is the structural unit of the life. The cells group together to form tissue. ईंट को जोड़ के एक दीवार बन गई। Various tissue they group together to form organ. दीवारों को जोड़ के एक कमरा बन गया। एंड वेरियस ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। घर का ड्राइंग रूम, लॉबी, बेडरूम्स लाइक ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। वी द ऑर्गेनिज्म। हमारा जीवन कहां से शुरू हुआ, सेल से।
सेल सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, द वेरियस ऑर्गन्स असेंबल टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक एक्सक्रेटरी सिस्टम, लाइक नर्वस सिस्टम, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ. इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. इफ द सेल्स विल वर्क और बॉडी विल वर्क, इफ द सेल विल नॉट वर्क वी विल नॉट वर्क. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, कि सर हमने एटम पढ़ा है, नॉन लिविंग है ये, एटम्स एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये भी नॉन लिविंग है बेटा. वेरियस मॉलिक्यूल्स दे असेंबल टू फॉर्म द सेल. सेल एक लिविंग बॉडी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो नॉन लिविंग बॉडी है. हाँ, इस नेचर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, नेचर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, लेकिन लिविंग बींग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है. सो दिस इज व्हाट सेल. अब सेल की अगर हम हिस्ट्री में जाएं, तो हिस्ट्री के अंदर मैं बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा. आई विल नॉट गो इनटू द फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स इज नॉट द नॉलेज, फैक्ट्स इज नॉट द कॉन्सेप्ट. फैक्ट्स तो मैं आपको जो नोट्स दूंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, उसमें लिखा होगा. फैक्ट्स आर नॉट द साइंस, कॉन्सेप्ट इज द साइंस. तो आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है. फिर भी एक दो फैक्ट्स मैं बताता हूं कि दुनिया में 1665 के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, बट फ्रॉम द नॉन लिविंग बॉडी. तो फर्स्ट लिविंग सेल है, फर्स्ट लिविंग सेल इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर करी. तो ये सेल के किसने क्या डिस्कवर किया, जैसे प्रोटोप्लाज्म का टर्म है वो पुरकिंजे ने कॉइन करी, न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया. ये टॉपिक्स डे बाय डे, वन बाय वन अपना आता जाएगा, हम डिस्कस करते चलेंगे. आज मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कराऊंगा कि सेल किसका बना हुआ है. सेल के हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो बेटा आप सब एनसीईआरटी को अपने हाथ में ले लो. यहां पर जो लेक्चर से आपको दिए जा रहे हैं थोड़े कंप्रेस करके देंगे, क्योंकि लेक्चर्स की अगर लेंथ बढ़ा देंगे अपलोड होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी ट्रैफिक ज़्यादा है. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कराता हुआ चलूँगा, आप उसको एनसीईआरटी से रीड करना शुरू करें. जैसे लॉकडाउन खुलेगा You can collect the study material from the academy.
उसे आप रीड करेंगे, आपको सब कुछ सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ए सेल इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। ए साइटोसोल is made up of two components, that is what cytoplasm and cell organelles. We'll discuss this by the diagram. सेल का ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज सेल मेम्ब्रेन। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग कंपोनेंट है। इस सेल के दिस आई एम डिस्कसिंग द एनिमल सेल। इसके सेंटर में होगा न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज are controlled by the nucleus. You can say this is the headquarter of the cell. जो nucleus है इसके बाहर का जो cover है ये nuclear membrane है। इट इज डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ में
ये लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनेल है और ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इसकी सरफेस को रफ बना देते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल भरा हुआ है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियोलस है। तो सेल इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस एनिमल सेल के सेंटर में है, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज, इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर यहां पर है साइटोसोल। ए साइटोसोल इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म, हियर ए सेल सैप इज प्रेजेंट, दिस इज साइटोप्लाज्म। And in this cytoplasm, the various structures are present. They are the cell organelles. Cell organelles, ये तीन तरह के हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेनलेस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक गॉल्गी बॉडीज, लाइक लाइसोजोम। और मेम्ब्रेन लेस है राइबोसोम्स। ये मैंने आपको जो दिखाया है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, यह है गॉल्गी बॉडीज। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर लाइसोजोम। दीज आर राइबोसोम्स।
So this we have discussed the structure of the cell. अभी मैंने आपको जो बताया है कि जो हमारा पहला चैप्टर है सेल चैप्टर है वो सेल किन किन कंपोनेंट्स का बना हुआ है बाय द डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए बेटा. आप इस पूरे चार्ट को अच्छे से देखो, डायग्राम को स्टडी करो, आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है. ये डिस्कस करना है. नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट्स वन बाय वन. आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. दिस सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल. यहां तक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है और इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसी को अच्छे से देखो. नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसका मॉडल किसने दिया, सेल मेम्ब्रेन किस तरह से हमारे सेल्स के लिए ज़रूरी है, एक क्लास उसकी होगी. सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास के अंदर हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड क्लास के अंदर हम साइटोसोल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द टॉपिक टुडे. आप एनसीईआरटी से चैप्टर को रीड करें बेटे. क्लास को आप बच्चों के बीच में शेयर करें क्योंकि क्या टाइम आना है, क्या डिसीजंस गवर्नमेंट के होने हैं ये वक्त बताएगा, भगवान बताएगा, किसी को कुछ नहीं पता है. चाहे अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, चाहे बाहर के स्टूडेंट्स हो, सारे बच्चों को इसका बेनिफिट लेने दो. क्लासेस को आप लाइक करें. आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके नीचे आप अपने डाउट्स लिखो, मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा. आपको हर क्लास का अपडेट जाता रहे तो इसके लिए आप क्लासेस को, इसको, वीडियो को सब्सक्राइब करें. उसके नीचे एक बेल आइकन है, उसको पुश कर दें, आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा. थैंक यू.